वेलकम टू वेबलाइन। 100 साल पहले दूसरी कंट्री वालों के साथ हमारा युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में मैं हार गया तो दूसरी कंट्री वालों ने हमारी जनता को बंदी बना लिया। मैंने नाटक किया जेलर बनने का ताकि मैं अपनी जनता को बचा सकूं, पर मैं पकड़ा गया और उस दूसरे देश के जनरल ने मुझे मार दिया। मरने के बाद मैं आत्मा बन गया था तो वो कैट मुझे ढूंढती हुई आई, पर मुझे ढूंढने के चक्कर में वो एक डीमन बन गई। डीमन बनने के बाद उसे एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया था। उस इंसानी लड़की की फैमिली वालों को जब यह पता लगा तो उन लोगों ने ताओइस्ट को बुलाया और उस कैट डीमन को मारने की ट्राई की। इसी के चलते कैट डीमन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। तब से ही वो 18 साल की लड़कियों के साथ ऐसा ही करता आ रहा है। वो उसका दिल निकाल कर खा लेता है ताकि वो हमेशा पावरफुल बना रहे। जियानियो कहती है कि थैंक यू जनरल हमें ये सब कुछ बताने के लिए। आगे ये दोनों शियु की बॉडी को देखने के लिए आते हैं तो शियु की जो बॉडी थी वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में तब्दील हो रही थी। वहाँ पर वो कैट डीमन आता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। तो ल्यूरन कहता है कि तुम सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं खाते हो पर उनकी बॉडी को ज़ॉम्बी भी बना देते हो। तो वो कहता है कि आज तुम लकी हो कि मैं तुमसे लड़ नहीं रहा। कैट डीमन शियु की बॉडी को लेकर इनयांग पाथ में चला जाता है। ये दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। ल्यूरन कहता है कि ये तो नेदरवर्ल्ड में जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। जियानियो के पैर अचानक से ही रुक जाते हैं। वो सोचती है कि मुझे इस रास्ते नहीं जाना चाहिए, अगर मैं गई तो मुझे उस आदमी को फिर से देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहती हूँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं आशा रखती हूँ कि वो आदमी मुझे दोबारा ना दिखे। इतना सोचकर ही वो ल्यूरन के पीछे इनयांग पाथ में आ जाती है। जियानियो जब नेदरवर्ल्ड में एंटर होती है तो वो पिछले वाले नेदरवर्ल्ड से काफ़ी अलग था। ल्यूरन और वो कैट डीमन लड़ रहे थे। ल्यूरन लड़ते लड़ते उस नेदर रिवर में गिर जाता है। अब ये दोनों बाहर आते हैं। जियानियो ल्यूरन को अकेला छोड़कर उस कैट डीमन के पीछे भागती है उसे रोकने के लिए। वो कैट डीमन कहता है कि तुम मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। शियो को तुम्हें बाद में देखता हूँ, पहले मैं तुम्हारा दिल खा जाता हूँ। कैट डीमन जियानियो पर वार किए जा रहा था। जियानियो उसके हमले से बच रही थी। वो कहती है कि तुमने एक इंसानी लड़की से प्यार किया, जब उस इंसानी लड़की को तुम्हारी असलियत के बारे में पता लगा तो उसने ताओइस्ट को बुलाया ताकि वो तुम्हें मार सके, और तुमने इस चीज़ का बदला लेने के लिए कितनी सारी मासूम लड़कियों की बलि चढ़ाई, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये अनफेयर है? वो कैट डीमन चुप हो जाता है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वो अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाता है और जियानियो पर हमला करने लगता है। जियानियो इस बार तो उससे नहीं बच पाती। जियानियो कहती है कि तुमने उस इंसान को मारा है जो कि तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। यह सुनकर कैट डीमन थोड़ा शांत हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो जियानियो अपने दिल पर चोट लगी थी उसको तालिस्मान से हील करते हुए उसे कहती है कि शियु तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, 2 साल से तुम उसकी कैट थे। शियु को जब तुम्हारी असलियत के बारे में पता लगा तो वो डरी नहीं थी, तुम्हें बस ऐसा लगा कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह ताओइस्ट को बुलाएगी और तुम्हें मारना चाहेगी, इसलिए तुमने उसे मार दिया। पर वो सच में तुमसे डरी नहीं थी, पर उसे तो तुम जैसे भी हो वैसे तुम पसंद थे, वो तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती थी। पर तुमने क्या किया, उसे मार दिया और अब तुम उसे ज़ॉम्बी बनाना चाहते हो। तो वो कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कैट डीमन उस पर हमला करने के लिए आता है तो सियानियो कहती है कि खोई हुई आत्मा इस दुनिया में कोई नहीं ढूंढ सकता, तो तुम्हें क्या लगता है कि शियु तुम्हें फिर से मिल जाएगी? तो कैट डीमन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, नेदर किंग ने भी ऐसा किया था, मैं नेदर किंग के पास से उसका फियरी लोटस मांगूंगा, फिर मुझे एक भूतिया जिंदगी जीने वाली लड़की चाहिए, जब मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा तो एक लाल टेंट प्रोड्यूस होगा, इसकी मदद से मैं शियु की आत्मा को ढूंढ लूंगा। जियानियो को याद आता है कि मरने से पहले नेदर किंग ने भी यही सारी बातें उसे कही थी। जियानियो कैट डीमन से कहती है कि तुमने तो सब कुछ प्लान करके रखा है। वो उस पर ब्लड तालिस्मान फेंकती है, कहती है कि अगर तुम्हें भूतिया जिंदगी जीने वाली लड़की मिल भी जाए फिर भी तुम्हारा बच्चा उसके पेट के अंदर होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने प्लान को अंजाम दे दोगे और उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सोचोगे? जियानियो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपनी तलवार से उस कैट डीमन पर हमला करती है। इससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर बोट में आ जाता है जो कि इनयांग वर्ल्ड से बोट लेकर नेदर वर्ल्ड में सभी आत्माओं को ले जाता है। वो बोटमैन कहता है कि मैंने कुछ फियरी लोटस और आत्मा को ढूंढने के बारे में सुना तो मैं क्यूरियस होकर यहाँ चला आया।
देखो मैं तुम्हें बता दूं कि वो लड़की तुम्हें मिलने से रही है, क्योंकि 2 साल पहले नेथर किंग ने भी यही करनी चाही थी, पर फेयरी लोटस के कहर से पूरा नेथर वर्ल्ड तबाह हो गया। नेथर किंग भी उस फेयरी लोटस की आग से नहीं बच पाए, आज भी वो अपने इंजरी को हील कर रहे हैं। ज़ेनयू सोचती है कि युवा ने उस प्रोसेस को बीच में ही क्यों रोक दिया, क्या वो आरी को नहीं ढूंढना चाहता था। कैट डीमन गुस्से में आ जाता है, वो हमला करने वाला था, पर बोटमैन कहता है कि तुमने मेरी बोट को तोड़ दिया है, ऊपर से तुम मुझसे सामान लड़ा रहे हो। बोटमैन उन दोनों को इविल घोष्ट की पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। ज़ेनयू जब नीचे गिर रही थी तो ल्यूरेन आकर उसे बचा लेता है। इस बार ल्यूरेन की आंखें लाल हो जाती है। ज़ेनयू सोचती है कि मेरे सीनियर आज कुछ अलग ही मंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, यह पहले से काफ़ी अलग है। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।